चैत्र नवरात्र का आज नौवां दिन है और नौवें दिन माँ की पूजा जो है हवन से संपन्न होती है और पूरी तरीके से कुंवारी कन्याओं को आज जो है भोजन कराया जाता है और तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही है जो चैत्र नवरात्र के नौवें दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। खीर है, पूरी है और चने का सब्जी है, मिठाई है और तमाम नौ कन्याओं को पूरी तरीके से पूजा जा रहा है और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन कुंवारी कन्याओं के चरण पे जो है जल चढ़ाती हैं, उन्हें चुनरी चढ़ाती हैं, पैसे देती हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही है। पहले हवन हुआ और उसके बाद हवन के ठीक बाद कुंवारी कन्याओं को सर पे चुनरी रखी जाती है। उस तमाम जो नौ कन्याओं को पूजन कर जो है इसे भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो है नौ दिनों तक जो फास्टिंग करके जो चैत्र नवरात्र करती हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या महत्व है, आखिर कुंवारी कन्याओं को क्यों खिलाया जाता है, कुंवारी कन्याओं को क्यों खिलाया जाता है और आज के दिन क्या होता है। आज दिन राम जी का जन्म होता है, हम लोग शुभ अवसर से धूमधाम से हम लोग उनको जन्मदिन पर पूजा करते हैं, नौ दिन का फास्टिंग रखते हैं। हम लोग नौ कन्या ये देवी हैं, ये नौ कन्या का हम लोग पूजन इसलिए करते हैं कि मेरी ये देवी हैं, हम लोग उन्हीं को पूजा करते हैं। कुंवारी कन्याओं को खिलाने से क्या फायदे होते हैं? फायदा होता है, ये कुंवारी कन्या देवी है, वो हम लोग को धर्म है पूजा करना। देवी माता नौ रूप में आती हैं, पहला से लेके प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, चतुर्थम, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आठवीं, नौवीं, वही नौ माता के रूप में हम लोग कुमारी कन्या को पूजा करते हैं। और ये हमें आज हम लोग इनको बाबू मैया बेटा नहीं कहते हैं, देवी के रूप में इनको मानते हैं और देवी के रूप में ही पूजा करते हैं, चाहे अपनी पुत्री हो या किसी और की पुत्री हो। और इनका सुरक्षा रक्षा हम लोग का हाथ में है, क्योंकि ये तो नादान बालक है, इनको सुरक्षा करना हम लोग का जिम्मेवारी है, ये पूरे समाज का जिम्मेवारी है कि जैसे आज नौ रूप में इन नौ माता का हम पूजा किए, वो माता सब दिन इनका उज्जवल भविष्य हो, कहीं कहीं कुछ कुछ हो रहा है गड़बड़ वो सब कभी ना हो और इनका भविष्य मिले और ये बच्चे को उज्जवल भविष्य हो, इसलिए हम लोग इनको हर पल माता के रूप में, कुमारी कन्या हो या विवाहित कन्या हो, सबको माता के रूप में हर मनुष्य समझे तो ये जग कल्याण हो जाएगा, इसका कल्याण होता है। घर परिवार हैं उसको सुखी संपत्ति के लिए हम लोग गार्जियन हम लोग पूजा करते हैं, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि जो हैवानियत आजकल देखने को मिल रही है वो ना हो और पूरी तरीके से नौ कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। और यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से कुंवारी कन्याओं को कई तरह के तोहफे मिलते हैं आज के दिन और उन्हें भोजन कराकर पैसे दिए जाते हैं और उन्हें बहुत कुछ दिया जाता है तोहफे के तौर पर। देखिए किस तरीके से कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। कुछ बच्चियाँ हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? सानी शर्मा। क्या हो रहा है आज? बोलो क्या क्या मिला आज? कुमारी कन्या का पूजन हो रही है। कुमार पूजन हो रही है। तो देखिए बच्चियां कुमारी कन्याओं की आज जो है वो पूजन हो रही है और नौ देवियों की रूप होती है कुमारी कन्या। काफी क्यूट सी बच्ची है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम? माही। क्या नाम है? माही। माया। माया, किस तरीके से पूजा हो रही है, क्या क्या मिला है खाने के लिए और क्या हो रहा है? बोलो, देवी के रूप में बोलो, बोलो। देवी के रूप में पूजा हो रहा है। देखिए देखिए पूरी तरीके से बच्चा बोल नहीं पा रही है लेकिन बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन जो नौ दिनों तक फास्टिंग कर रहती हैं वो कुमारी नहीं खिलाएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, जब कुमारी कन्या को खिला लेंगे तभी कुछ खाएंगे। हाँ करती हैं वो, जब तक कुमारी कन्याओं को नहीं खिला लेती तब तक वो खुद अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। सीधे तौर पर देखिए कि किस तरीके से बच्चियां जो है वो आशीर्वाद दे रही है, यहाँ पर बच्चियों से आशीर्वाद ले रहे हैं। भैरव, जिसे कहते हैं कि भैरव बाबा, जो वो एक लड़का को भी रखा जाता है, सब बहन माता जी लोग होती है, उनके एक भाई थे, उनको माता जी बीच में रखी थी कि वो हमेशा रक्षा करेंगे इनका, तो इसलिए माता के पूजा के साथ साथ इनका भी पूजा किया जाता है। तो देखिए माता के साथ साथ भैरव का भी पूजा होता है और भैरव को भी साथ रखा जाता है, तो यानी जो
नौ बहने की एक भाई वो है भैरव, वो भी रखा जाता है। तो जो रीति रिवाज है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार चैत्र नवरात्र जो है वो आज समापन हो जाएगा और आज नवमी है और रामनवमी के त्यौहार काफ़ी उत्साह के साथ चैत्र नवरात्र और नवमी साथ साथ मनाया जा रहा है और पूरे उत्साह के साथ मंदिरों में काफ़ी कुमारी कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें दस दिन इसके साथ और देखते रहें दस दिन।